हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग में हम देखने वाले हैं कथन एवं निष्कर्ष के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो समझ में आए तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प होती रहे। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको रीजनिंग की, मैथ की, ऑनलाइन टेस्ट की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले जितनी भी रीजनिंग की, ऑनलाइन टेस्ट की, मैथ की वीडियोज़ अपलोड की है मैंने, उन सभी की प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। कोशिश करिएगा वीडियो को पूरा एंड तक देखें क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप ट्राई भी कर सकते हैं, जो भी आपका राइट आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल के द्वारा अब तक अनुमति न मिलने के कारण ही CBI आज तक मुख्यमंत्री के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल नहीं कर पाई। देखिए, आप सबसे पहले इस कथन से क्या समझे कि अगर मुख्यमंत्री के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल करना है तो उसके लिए हमें राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी कि CBI को राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये चीज़ आप समझे इससे। तो निष्कर्ष देखिए क्या निकला। पहला निष्कर्ष है, मुख्यमंत्री के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में दाखिल करने से पूर्व CBI को राज्यपाल की अनुमति लेनी आवश्यक है। तो बिल्कुल आवश्यक है क्योंकि यही चीज़ कथन में बोली जा रही है और ये इसी का ही कंक्लूजन निकला है, पहले वाला जो निष्कर्ष है, ठीक है। देखिए, कथन निष्कर्ष में आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो जो कथन में बोला गया है उसी से रिलेटेड आपका निष्कर्ष होना चाहिए, उससे बाहर निष्कर्ष नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो कथन में बोला जा रहा है उसको कंप्लीट करने वाला निष्कर्ष होना चाहिए। यानी कि कथन में आपको एक कहानी सी बता दी जाती है छोटी सी और उससे आपका एक कंक्लूजन निकलता है, एक निष्कर्ष जो निकलता है वो उसको कंप्लीट करता है, एक नेक्स्ट स्टेप जा करके, ठीक है। थोड़ा और समझ में आएगा जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे। जैसे दूसरे वाला है, राज्यपाल आने वाले दिनों में अनुमति अवश्य देगा, तो ये किसने कह दिया कि आने वाले दिनों में राज्यपाल अनुमति अवश्य देगा, क्योंकि ये चीज़ तो बोली नहीं गई कथन में, तो ये रोंग हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो पहला राइट क्यों हुआ और दूसरा रोंग क्यों हुआ, ये आपको समझ में आया है तो लाइक करिएगा, पता चल जाएगा मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे तो ध्यान हो जाएगा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, कथन, विशेष अधिकार समिति की बैठक कोरम के अभाव से नहीं हो सकी। आप सबसे पहले कोरम का मतलब समझिए, कोरम क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी बैठक में 15 मेंबर हैं, ठीक है, और उसमें कोरम होता है, कोरम मीन्स मिनिमम मेंबर, यानी कि उस 15 में से 7 तो प्रेजेंट होने चाहिए। अगर कोई भी डिसीजन लेना है उस बैठक को, उस कमेटी को, कोई किसी भी एक जो ग्रुप होगा उसे कोई भी डिसीजन लेना, तो उसमें मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए। जैसे हमारी संसद में भी किसी बिल को पास करने के लिए एक मिनिमम साइन की जरूरत होती है कि इतने तो होने ही होने चाहिए, अगर इतने साइन बिल पे नहीं होंगे तो वो पास नहीं होता है, समझ गए आप। तो मिनिमम मेंबर जो होते हैं अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो उसके अभाव से विशेष अधिकार समिति की बैठक नहीं हो पाई। तो निष्कर्ष इससे क्या निकल रहे हैं, पहले वाला है, किसी भी समिति की बैठक के लिए कोरम आवश्यक है। तो देखिए, ये आपका राइट हो सकता था, बट जो यहाँ पे आया किसी भी समिति, अब यहाँ पे हमें किसी भी समिति से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे विशेष अधिकार समिति से मतलब है। तो ये चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं इनको पकड़ना है। अब किसी भी समिति से हमें मतलब नहीं, तो हमें इससे भी मतलब नहीं, जो पहला निष्कर्ष है ये भी हमारे लिए यूजलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरे वाला है, विशेष अधिकार समिति की अगली बैठक अब नहीं होगी। अब इस कथन में कहीं अगली बैठक के बारे में जिक्र किया गया है, नहीं किया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि ये दोनों गलत क्यों हुए। तो इसी तरीके से आपको सोचना है, जब एग्जाम में बैठे होंगे तो किस तरीके से आपको निष्कर्ष निकालने हैं। दोस्तों, समझ में आए तो कमेंट में बताइए, चाहे लाइक करिए पर बताइएगा जरूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कथन, पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पारित राजनीतिक प्रस्ताव में भ्रष्टाचार को मुख्य रूप से मुद्दा बनाने तथा प्रखंड से लेकर राज्य और राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन को चलाने पर बल दिया गया। देखिए, यहाँ पे जो बात की जा रही है, पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जो पारित राजनीतिक प्रस्ताव में भ्रष्टाचार को मुख्य रूप से मुद्दा बनाने तथा प्रखंड से लेकर राज्य और राष्ट्रवादी आंदोलन को चलाने पर बल दिया गया। तो निष्कर्ष देखते हैं यहाँ पे क्या निकल रहा है। भ्रष्टाचार राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक हो चुका है। तो यहाँ पे जो पहला निष्कर्ष आपका बोला जा रहा है ये बिल्कुल सही है,
क्योंकि भ्रष्टाचार राष्ट्रीय स्तर पर व्यापी हो चुका है, यही चीज़ आपको यहाँ पे कथन में बोली जा रही है। दूसरे वाला है भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन जारी करना आवश्यक है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि राजनीतिक प्रस्ताव में भ्रष्टाचार को मुख्य रूप से मुद्दा बनाने तथा प्रखंड से लेकर राष्ट्रीय और राष्ट्रव्यापी आंदोलन को चलाने पर बल दिया गया, तो यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि अगर भ्रष्टाचार समाप्त करने चाहते मतलब करना है तो उसके लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन जारी करना आवश्यक है। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पे निष्कर्ष राइट रहेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं और इसमें बोला जा रहा है कुछ व्यक्ति अच्छे हैं कुछ व्यक्ति बुद्धिमान हैं, तो इसका हमें एक वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले कुछ व्यक्ति अच्छे हैं, जो देखिए अच्छे कुछ व्यक्ति अच्छे हैं, तो आपने क्या किया, सबसे पहले व्यक्ति का वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है भाई, व्यक्ति का आपने वेन डायग्राम बनाया और यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ व्यक्ति अच्छे हैं, तो यहाँ पे अच्छे का आप हल्का सा कट लगा के इस तरीके से वेन डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि जो ये व्यक्ति है ना, पूरे के पूरे व्यक्ति, इसमें से कुछ अच्छे हैं और कुछ बुद्धिमान हैं, कुछ व्यक्ति बुद्धिमान भी बोला गया, तो यहाँ पे हल्का सा आप कट लगाएंगे तो कुछ व्यक्ति बुद्धिमान हो गए। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे रिलेशन बताया गया है, यानी कि व्यक्ति का जो रिलेशन है वो अच्छे के साथ में भी है और बुद्धिमान के साथ में भी है, बट यहाँ पे बुद्धिमान और अच्छे का कोई रिलेशन नहीं बताया गया। अगर इनके बारे में कोई भी निष्कर्ष दिया जाता है तो हम उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे पहला है कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं, तो कुछ बुद्धिमान व्यक्ति, देखिए कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बुद्धिमान व्यक्ति के साथ में है, अच्छे के साथ में नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई, तो पहला आपका रॉन्ग हो जाएगा। कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान हैं, कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान हैं, तो यहाँ पे कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान हैं ये भी यहाँ पे कहना गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों ही रॉन्ग रहेंगे, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, मैं आपको बताता हूँ ये किस कंडीशन में राइट हो सकते थे। यहाँ पे बोला जाता कि कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी बोला जाता कि कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान हो सकते हैं, हो सकने वाली बात को राइट किया जा सकता था। राइट कैसे किया जा सकता था कि मान लीजिए इसी वेन डायग्राम को मैं ऐसे करके बना दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ अच्छे कुछ व्यक्ति, ये व्यक्ति आपका, ठीक है, और कुछ बुद्धिमान, ये तीनों के तीनों कट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हो सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि ये है नहीं, क्योंकि इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बताएगा। व्यक्ति अच्छे के बीच में रिलेशन है, बुद्धिमान व्यक्ति के बीच में रिलेशन है, बट तीनों के बीच में रिलेशन नहीं बोला गया है। तो अगर नहीं बोला जाता तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं कि हो सकते हैं बट है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसी कथन में बोल जाता है कि कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हो सकते हैं और कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान हो सकते हैं, तो ये दोनों ही राइट हो जाते हैं, बट अभी दोनों ही रॉन्ग रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। 5 में बोला जा रहा है कि कुछ पिन क्लिप हैं कुछ क्लिप पेन हैं, तो कुछ पिन क्लिप है और कुछ क्लिप पेन है, इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्लिप आपके पेन हैं और कुछ क्लिप आपके पिन है और कुछ क्लिप आपके पेन है, ये आपका एक वेन डायग्राम बनकर रेडी हो गया, ठीक है। यहाँ पे यही बोला गया ना कि कुछ पिन क्लिप हैं और कुछ क्लिप पेन है, तो ये आपका जब बन जाता है तो इसमें भी आपको अभी तो दिखने में वैसी कंडीशन है जो पहले वाले में थी, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बट एक और मैं आपको बताता हूँ कि इस कंडीशन में एक जो कंडीशन बनती है, इनके तीनों के बीच में आपका रिलेशन बस इस तरीके से है कि क्लिप का रिलेशन इसके साथ में भी इसके साथ में भी, बट पिन और पेन का कोई रिलेशन नहीं है, पिन और पेन का कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, कुछ पिन पेन है और एक बार बोला गया कि कोई पिन पेन नहीं है, यानी कि दोनों कंडीशन आपको निष्कर्ष में बता दी कि कुछ पिन पेन है और कोई पिन पेन नहीं है। तो यहाँ पे जब दोनों चीज़ बता दी जाती है, एक बार है वाली और एक बार नहीं है वाली, तो इस वाली कंडीशन में आप या वाला आंसर लगाते हैं। या वाला मतलब या तो निष्कर्ष 1 या सेकंड वाला दूसरे वाला अनुसरण करता है, तो इससे आप समझ चुके होंगे कि कैसे आपको राइट आंसर लगाना है या वाला, जब आपको दोनों के दोनों, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पिन और पेन के बीच में बात नहीं की गई है, पिन और पेन के बीच में बात नहीं की गई है, बट निष्कर्ष जो निकला है उसमें क्या पिन और पेन के बारे में ही बात की जा रही है, एक बार है में बात की जा रही है, एक बार नहीं है में बात की जा रही है। तो जब इस तरीके से बात की जाती है तो वो या वाला आंसर आपको लगाना होता है कि या तो आपका पहले वाला राइट होगा या दूसरे वाला राइट होगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुछ मंत्री अध्यापक हैं, सभी अध्यापक विद्वान हैं, तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलता है? कुछ मंत्री अध्यापक हैं और सभी अध्यापक विद्वान हैं, इसको आप कैसे बनाएंगे? कुछ मंत्री अध्यापक हैं, आपने कुछ इस तरीके से बनाया होगा कि सबसे पहले आपका मंत्री और कुछ मंत्री आपके अध्यापक हैं, इस तरीके से हल्का सा कट लगा के आपका कुछ मंत्री अध्यापक हो गया। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है सभी अध्यापक विद्वान हैं, देखिए ये बोला जा रहा है आपका सभी अध्यापक विद्वान हैं, तो यहाँ पे सभी के सभी अध्यापक आपके विद्वान हो जाएंगे इस तरीके से। समझे आप क्या कैसे किया मैंने ये सब? तो यहाँ पे ये आपका जो वेन डायग्राम बन के रेडी हो गया, इससे आप देखें निष्कर्ष आपका कुछ बनता है क्या। कुछ मंत्री विद्वान है, कुछ मंत्री विद्वान है, देखिए मंत्री आपका ये है और मंत्री कुछ मंत्री विद्वान है, तो बिल्कुल सही है, पहले वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि मंत्री तो आपके कुछ वाली कंडीशन अध्यापक के साथ में भी सेटिस्फाई करते हैं और विद्वान के साथ में तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगी, तो पहला तो आपका राइट हो जाएगा। सभी विद्वान अध्यापक हैं, अब सभी विद्वान अध्यापक नहीं हो सकते क्योंकि सभी अध्यापक विद्वान हैं बट सभी विद्वान अध्यापक नहीं हो सकते, ये वाली कंडीशन कब सेटिस्फाई होती? बोला जा रहा है कि सभी विद्वान अध्यापक, ये कब राइट होता? ये अध्यापक वाला वेन डायग्राम अंदर की साइड ना होकर बाहर की साइड होता, तो उस कंडीशन में आपके सभी विद्वान अध्यापक हो जाते हैं, समझ गए आप इस चीज़ को? तो ये आपका नहीं होगा, तो इसका मतलब केवल पहले वाला ही राइट आंसर रहेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कोई जीत हार नहीं है और सभी हार विजय हैं, तो इसको आप कैसे बनाएंगे? देखिए अगर मैं बात करूँ कोई जीत हार नहीं है, तो जीत और हार के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको हटाइए सबसे पहले, जीत और हार के बीच में रिलेशन नहीं है, ठीक है, कोई जीत हार नहीं है। फिर बोला जा रहा है कि सभी हार विजय हैं, फिर दूसरी लाइन में बोला जा रहा है सभी हार विजय हैं, तो सभी हार विजय आपकी कैसे होगी? हार को आप कवर करेंगे विजय से, तो सभी हार आपकी विजय हो जाएंगी इस तरीके से, ठीक है भाई, ये आपका एक वेन डायग्राम बन के रेडी हो गया। यहाँ पे फिर वही कंडीशन बन रही है कि कोई विजय जीत नहीं है और कुछ विजय जीत है, मैं मतलब विजय और जीत के बीच में रिलेशन नहीं बताया गया, विजय हार और जीत के बीच में रिलेशन बताया गया बट विजय और जीत के रिलेशन में कुछ नहीं बताया गया। जब इनके बीच में रिलेशन नहीं बताया गया तो हम कोई भी इनके निष्कर्ष एक्सेप्ट नहीं करेंगे कंडीशन एक को छोड़ करके। वो कंडीशन क्या है? जब इनके बीच में रिलेशन ना बताया जाए और फिर रिलेशन किस तरीके से बताया जाए निष्कर्ष आपका के? कि कोई विजय जीत नहीं है, एक बार नहीं वाला रिलेशन, और कुछ विजय जीत है, एक बार है वाला रिलेशन, तो यहाँ पे भी आपका वही कंडीशन बनती है, केवल निष्कर्ष वन या सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि यह वाला आपको आंसर टिक लगाना है। अब आप समझ चुके होंगे कि यह वाला आंसर आपको कहाँ पे राइट लगाना है, जिनके बीच में कोई भी कथन में बात ना बोली जाए और उनके बारे में ही दोनों निष्कर्ष निकलते हों, तो उस कंडीशन में आपको या लगा देना है, या वाला राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ कुर्सियाँ लकड़ी की बनी हैं, कुछ मेज लकड़ी की बनी हैं, ठीक है, कुछ कुर्सियाँ लकड़ी की बनी हैं, कुछ मेज लकड़ी की बनी है, तो इसका मतलब आपको लकड़ी को बीच में रखना है और लकड़ी में से कुछ लकड़ी मतलब कुछ मेज लकड़ी की बनी है, कुछ कुर्सियाँ लकड़ी की बनी है, तो आपका कुछ इस तरीके से ये वेन डायग्राम बन के आएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है अब निष्कर्ष फर्स्ट कि सभी लकड़ी की बनी चीज़ें या तो कुर्सी होती हैं या मेज होती हैं, तो सभी वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि सभी के बारे में तो बात ही नहीं की जा रही है, कुछ के बारे में बात की जा रही है। अगर कुछ के बारे में बात की जा रही है तो सभी वाली कंडीशन हो सकती है, बट अगर कन्फर्म के साथ में है किया जाता है, एक तो देखिए कंडीशन है कि हो सकती है, एक है कि हाँ ये ही है, तो ये है वाली कंडीशन हटा देंगे, यानी कि पहले वाला आपका राइट नहीं होगा। सभी लकड़ी की बनी चीज़ें या तो कुर्सी है या मेज है, तो ये वाला राइट नहीं होगा। दूसरे वाला कि कुछ कुर्सियां मेज हैं, कुछ कुर्सियां मेज हैं, तो इसके बारे में तो बात ही नहीं की गई है कुर्सी और मेज के बारे में, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो क्योंकि कुर्सी और मेज के बारे में अगर बात नहीं की जा रही है तो ये आपका नहीं राइट होगा, तो दोनों ही निष्कर्ष आपके नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी, ठीक है। चलिए